रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली गेंद पर खेला ऐसा शॉट बुरी तरह घबरा गई पत्नी रितिका। जी हां, रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। रोहित ने 14 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और एक छक्के की मदद से 14 रनों की पारी खेली। आपको बता दें, रोहित शर्मा तीसरे ओवर में बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने अपनी पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ पुल शॉट खेला और गेंद सीधी फाइन लेग के पर खड़े एडम मिलने के हाथों में चली गई। हालांकि कैच जो है मिलने के हाथ से छिटक गया और हिटमैन को जीवन दान मिल गया। इसके देखकर स्टैंड में बैठी रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदे काफ़ी घबरा गई थी और इस दौरान अश्विन की पत्नी प्रीति और जडेजा की पत्नी रीवा देखिए उन्हें किस तरीके से समझाती हुई नजर आ रही है। हालांकि जीवनदान मिलने के बाद रितिका के चेहरे पर हंसी साफ दिख रही थी। रोहित इस जीवनदान का फ़ायदा नहीं उठा सके और ईशा शोडी की गेंद पर शॉट मारने के चक्कर में मार्टिन गप्टिल को कैच दे बैठे। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन रविंद्र जडेजा ने 19 बॉलों में 26 रन बनाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ऐसी और क्रिकेट की तमाम खबरों के लिए।